मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा जो आपके पास 9.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक हो गए थे। 6th क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कहते हैं साइन स्क्वेयर थीटा जहां कहीं पर भी इंटीग्रेशन में आएगा उसकी जगह पे आपने रखना है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और कोस स्क्वेयर थीटा की जगह पे रखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पर माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला होगा, प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला होगा। जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ होगा, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टेन स्क्वेयर थीटा जहाँ कहीं पर आएगा तो टेन स्क्वेयर थीटा की जगह पे हम रखेंगे सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, क्योंकि पावर के अंदर आपके पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा और कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा दो ही ऐसे हैं जिनका पावर 2 के अंदर ही इंटीग्रेशन होगा। 2 से ज़्यादा में भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिंगल पावर में भी नहीं होगा। सिंगल पावर में सिर्फ साइन और कोस का होता है, पावर 2 के अंदर सीकेंट स्क्वेयर और कोसेकेंट स्क्वेयर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो ये फॉर्मूला होगा, कोस स्क्वेयर की जगह पर ये रखेंगे, टेन स्क्वेयर की जगह पर ये रखेंगे और कोट स्क्वेयर की जगह पर ये रखेंगे। तो देखिएगा जैसे आपने निकालना है साइन स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन या साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन आप निकालना है, तो साइन स्क्वेयर एक्स का जिसका अगर आपने इंटीग्रेशन निकालना है तो इसकी आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो अपॉन में 2 है बाहर आ जाएगा। ये अलग अलग टर्म हो गई तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर डी थीटा है यहाँ पर तो थीटा आ जाएगा, माइनस में कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 ऐसे इसका हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास टेन स्क्वेयर थीटा का अगर आपने इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, आपके पास अलग अलग टर्म हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा 1 का थीटा। ऐसे ही कोट स्क्वेयर थीटा की जगह पे रखेंगे कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस है 1। उसके बाद साइन की पावर 2 आ गया, कोस की पावर 2, टेन की पावर 2, कोट की पावर 2। उसके बाद पावर अगर 3 आ जाता है तो साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से आपके पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³θ। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो साइन क्यूब थीटा की जगह पे हम रख देंगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब इसका, तो अपॉन में 4 है सारे के बाहर आ जाएगा, अलग अलग टर्म होगी इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³θ - 3 cos θ। तो यहाँ से आपके पास इस फॉर्मूले से कोस 3 थीटा का इस फॉर्मूले से यहाँ से हम कोस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोस क्यूब थीटा का आपके पास ये हो जाएगा। फिर वही है इसका इंटीग्रेशन का मतलब इनका इंटीग्रेशन, तो 4 आ जाएगा बाहर, कोस 3 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 3 थीटा बाई 3 प्लस 3 कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, प्लस में सी आएगा ही आएगा। उसके बाद कहता है अगर आपके पास पावर 4 आ जाती है, जैसे साइन की पावर 4 थीटा आ गया, तो साइन की पावर 4 थीटा की जगह पे एक्स हो सकता है, 2x हो सकता है, x/2 हो सकता है, 2 थीटा कुछ भी है, तो साइन की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर और इसके अंदर क्या होगा, ये साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर थीटा का ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो साइन स्क्वेयर थीटा उसके बाद उसका स्क्वेयर करेंगे तो साइन की पावर 4, तो 2 का स्क्वेयर 4 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो यहाँ पर फिर वही अलग अलग टर्म हो गई, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इसका फिर नहीं होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर फिर पावर 2 आ गई, इस पावर 2 को फिर सोल्व करेंगे तो आपके पास फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 है यूं का यूं, 1 यूं का यूं, कोस स्क्वेयर की जगह पे 1 प्लस कोस, ये जितना एंगल उसका डबल हो जाएगा, अपॉन में 2, माइनस में आगे यूं का यूं आपके पास। तो ये अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अब इन सब का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन में आ जाता है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, अगर इसका इंटीग्रेशन आ जाए, पावर इक्वल है जहाँ पर साइन और कोस की पावर इक्वल है तो वहाँ पर पावर इकट्ठी कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है दोनों की जगह 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। अब इसको आपने एक में चेंज करना है, अब इसको एक में चेंज कैसे करेंगे हम, अब एक में चेंज करने की, अब पावर 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड,
अब ये फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आता है साइन टू थीटा, ऊपर पावर फोर, टू की पावर फोर, तो टू की पावर फोर हो जाएगा 16 और ये साइन टू थीटा की पावर फोर। अभी पिछले वाले क्वेश्चन की जगह पे आ गया, ये साइन की पावर फोर है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर आपके पास टू थीटा है, फिर वही साइन की पावर फोर फोर को सोल्व करेंगे स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ये अपॉन में 16 यू का ही आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर टू थीटा आ जाएगा, वन माइनस कोस ये जितना एंगल उसका डबल आएगा अपॉन में टू, और इसका स्क्वेयर तो टू का स्क्वेयर फोर, फिर बाहर आ जाएगा ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्म लगाएंगे। अब ये अलग अलग टर्म होगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन इसका फिर नहीं होगा, तो कोस स्क्वेयर फोर थीटा की जगह पर फिर फॉर्म लगाएंगे आपके पास, कोस स्क्वेयर फोर थीटा की जगह क्या रखेंगे, वन प्लस कोस है, इसका फिर डबल आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आपके पास फॉर्मूला ये रख देना है, तो वन अपॉन में 16 बार वन प्लस में ये कोस स्क्वेयर फोर थीटा का ये फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी आगे ये है, तो अभी अलग अलग अब सभी का, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये अपॉन में टू बार है, इसका अलग होगा और इसका अलग हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, अब मैं करवाता हूँ इसका, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसकी जगह फॉर्मूला बता दिया, इसकी जगह फॉर्मूला बता दिया, इसकी जगह बता दिया, इसकी जगह, जैसे साइन की पावर चार आपको अभी बताया था, ऐसे ही कोस की पावर चार का है, ऐसे ही साइन की पावर चार टू एक्स हो गया, ऐसे ये आपके पास करवा दिया, ये साइन की पावर चार टू एक्स होगा, लेकिन इसके अपॉन में 16 और आ जाएगा, इसमें 16 नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास सेवन है, इसकी आपके पास प्रोडक्ट में, अब इन प्रोडक्ट को आपने अलग अलग करना है, तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, तो टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है जिस टू से डिवाइड किया वो बाहर रख लेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई होते ही फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए कोस बी, ये प्रोडक्ट का आपके पास सम या डिफरेंस में फॉर्मूले होते हैं, देखिएगा अभी आपके फॉर्मूले, तो ये आपके पास चार फॉर्मूले, टू साइन ए कोस बी, साइन प्लस प्लस साइन डिफरेंस, उसके बाद अगर ये फॉर्म है कोस ए साइन बी, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, अगर टू से मल्टीप्लेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये फॉर्मूले बनेंगे, टू कोस ए साइन बी, साइन प्लस माइनस साइन डिफरेंस, उसके बाद है टू कोस ए कोस बी, तो टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बनेगा कोस प्लस प्लस कोस डिफरेंस, टू साइन ए साइन बी कोस डिफरेंस या कोस डिफरेंस माइनस कोस प्लस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ साइन टू एक्स इंटू में कोस थ्री एक्स ये है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो डिवाइड में बाहर रह जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पहले वाला, साइन प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब इसके अंदर ए माइनस बी करते हैं ये ए और ये बी, तो 2x माइनस 3x करते हैं तो माइनस का x बचेगा और माइनस का x वो निशान आ जाएगा बाहर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ये अलग अलग टर्म होगी तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसे अगर तीन मल्टीप्लिकेशन में है तो साइन x इंटू साइन 2x इंटू में साइन 3x, फिर वही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे वो बाहर रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, 2 साइन ए साइन ए बी, तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्म लगाएंगे कोस माइनस माइनस कोस प्लस, अब कोस माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस का एक्स आएगा, लेकिन बाहर कोस है तो प्लस का ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस सब के मल्टीप्लाई में क्या है साइन थ्री एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइन ए थ्री एक्स, तो इसका इसका मल्टीप्लेसन होगा इसका इसका, ये वन बाई टू आ जाएगा बाहर, तो क्या बच जाएगा ये कोस एक्स इंटू में साइन थ्री एक्स माइनस में, अब इसका इसका मल्टीप्लेसन और होगा, ये बनेगा कोस थ्री एक्स इंटू में साइन है थ्री एक्स, तो इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग, ये वन बाई टू पूरे के बाहर, इसको फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड, इसको फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, फिर वो बाहर आ जाएगा वन बाई टू और, तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ये भी अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एट्थ क्वेश्चन है, ये सेवन्थ क्वेश्चन का यूज़ था, एट्थ क्वेश्चन में ये है, इसको हम दो अलग अलग तरीके से करेंगे, एक तो इसको हमने मेन काम क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर सेपरेट डिवाइड अलग अलग करते हैं ताकि अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाए, तो वन के अपॉन में भी आ जाएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो वन अपॉन में कोस स्क्वेयर को हम क्या लिख देंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स,
माइनस साइन अपोन में कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक साइन अपोन में कोस तो आ जाएगा टेन और एक वन अपोन में कोस आ जाएगा सीकेंट। तो ये अलग अलग टर्म होगी, दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, माइनस टेन इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस में सी। दूसरा क्या तरीका है आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा वन प्लस साइन एक्स। इस साइन की जगह पे हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, कोस में, तो कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर वो पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, एंगल बटे दो। अब कोस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का फिर वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखना, अलग अलग तरीके से किया है तो दोनों का आंसर अलग अलग बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर है वन अपोन में वन प्लस कोस एक्स, इसका भी आपके पास इंटीग्रेशन यही था, इसका हम क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे। वन माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस कोस एक्स, और नीचे बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। फिर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, फिर ये सेपरेट डिवाइड आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह पे, इनको अलग अलग कर देंगे तो ये आपके पास वन अपोन में साइन स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। तो वन अपोन में साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस ये होगा कोस अपोन में साइन कोट, और एक साइन आ जाएगा वो ऊपर चले जाएगा कोसेकेंट, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोट एक्स इंटू में कोसेकेंट एक्स। तो दोनों का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है साइन एक्स अपोन में वन प्लस साइन एक्स है, तो वन प्लस साइन एक्स है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर वन ऐड कर देंगे और वन है सबट्रैक्ट, इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसका था स्टेटमेंट में आप देखते हैं, तो इसके अंदर प्लस वन कर देंगे और माइनस वन कर देंगे, तो प्लस वन किया है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ताकि कैंसिल हो जाए, तो इसको हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होकर वन, और वन का इंटीग्रेशन ये है डी एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स, माइनस में ये बच गया वन अपोन में वन प्लस साइन एक्स। ये पहले वाले क्वेश्चन की जगह है, वन अपोन में वन कोस था, यहाँ पर साइन आ गया, रेशलाइजेशन करके सेम प्रोसेस से बनेगा। आपने इसका क्या कर देना, आगे इसका रेशलाइजेशन करके इसको सोल्व कर लेंगे, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से बन जाएगा, अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स। अब इसके भी दो तरीके हैं, तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक तरीके से पहले साइन को हम किस में चेंज कर देंगे, कोस में, तो साइन की जगह पे कोस करेंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे ये रख देंगे, ताकि वन माइनस, आपके पास फॉर्मूला पता है वन माइनस कोस का, और वन प्लस में कोस का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला होगा, प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला होगा। दूसरी बात, ये जितना भी एंगल उसका हाफ होगा, तो वन माइनस कोस थीटा फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, जितना एंगल उसके बाई टू, तो इसके भी अपोन में टू, इसके भी अपोन में टू, ये आ जाएगा। ऊपर रूट है तो टू का भी रूट आ जाएगा, साइन स्क्वेयर का भी रूट आ जाएगा, तो टू का रूट तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर का रूट आ जाएगा साइन, और साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर देंगे, ये आ जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन का आपके पास फॉर्मूला पता है, कोस में आ जाएगा माइनस में, लेकिन ये जो एंगल है एक्स साइन ओप एक्स, एक्स ये लीनियर पॉलीनोमियल है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में वन बाई टू और आ जाएगा, प्लस में इसको सोल्व कर लेना, ऊपर जाकर वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर है वन प्लस कोस टू एक्स। अब वन प्लस कोस टू एक्स का फिर वही फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था वन माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला, प्लस में है तो कोस का, दूसरा जितना एंगल यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा, तो वन प्लस कोस टू थीटा आएगा टू कोस स्क्वायर थीटा, या वन प्लस कोस टू एक्स हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स, टू का रूट कोस स्क्वायर का अलग अलग हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है, प्लस में सी कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर वन प्लस कोस टू एक्स अपोन में वन माइनस कोस टू एक्स, फिर वही फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला होता है, प्लस में है तो कोस का, माइनस में है तो साइन का, तो टू से डिवाइड हो, ये फॉर्मूला रख देंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कोट स्क्वेयर आ जाएगा, कोट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको बताया था कोट स्क्वेयर की जगह पे क्या रखेंगे, कोसेकेंट स्क्वेयर माइनस वन, ये अलग अलग टर्म हो गई, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में कोट एक्स, माइनस वन का एक्स, प्लस में सी। उसके बाद आपके पास कोस टू एक्स अपोन में वन माइनस कोस टू एक्स, फिर आपके पास ये ऐसे एक पार्ट है साइन एक्स अपोन में, इसमें ही प्लस माइनस वन किया था, नीचे वाले वैल्यू ऊपर एडजस्ट की थी, यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट है कोस टू एक्स अपोन में वन माइनस कोस टू एक्स,
तो इसके अंदर प्लस वन कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, माइनस वन इसके साथ ले लिया, प्लस वन अलग अलग कर लिया, तो ये इकट्ठा कर लिया, ये अलग कर दिया, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है, इन दोनों के अंदर माइनस का फ़र्क है, तो ये कैंसिल होकर माइनस का वन बच जाएगा, और माइनस का वन का इंटीग्रेशन, माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स आ जाएगा, तो माइनस का एक्स प्लस में। अब ये बच गया, इसके फिर वही दो तरीके हैं, या तो आप इसका रिश्लेषण करो, या वन माइनस कोस टू एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दूसरा क्या आपके पास वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वेयर एक्स, दो आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वेयर ऊपर चलकर कोसिकेंट स्क्वेयर, और कोसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस में कोटेक्स आ जाएगा, या आप इसको रिश्लेषण करके अलग अलग सेपरेट डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हैं, फिर वही है, दोनों केसेज में आंसर अलग अलग मिलेगा आपको, आंसर दोनों ही ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साइन एक्स इंटू वन माइनस कोस टू एक्स, अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, वन माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होगा ये साइन एक्स एज इट इज, वन माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्क्वेयर थीटा, तो दो के ऊपर भी रूट साइन स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर से उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, दो का रूट अलग रह जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, और ये साइन एक्स फिर हो रहा है तो साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, और रूट है टू, तो रूट टू बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर की जगह पे आपको पता है वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, फिर अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर कहता है सीकेंट एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, या तो आप इसको साइन कोस में चेंज करो, अगर साइन कोस में चेंज नहीं करते हो तो आप इसका रिश्लेषण करें, तो यहाँ पर माइनस का निशान लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस में सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, जो कि सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर, और जो कि कितना होता है वन, तो नीचे आ जाएगा वन, ऊपर अलग अलग टर्म बच जाएंगे, फिर ये अलग अलग टर्म आ जाएंगी, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसका टेन एक्स होता है, इसका सीकेंट एक्स होता है, प्लस में सी आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा नाइन्थ, तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिर फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, बाकी हो चुके हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे भाई, टू के अपोन में भी और इसके भी अपोन में, तो टू बाहर आ जाएगा, वन अपोन में कोस स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस का थ्री बाहर आ जाएगा, इसके अपोन में करेंगे तो साइन अपोन में कोस टेन, और एक कोस ऊपर चला जाएगा सीकेंट, अलग अलग हो जाएगा, इसमें भी वही चीज़ है, आपने सेपरेट है डिवाइड करना है। अब इसके थर्ड पार्ट के अंदर देखिएगा, तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या आता है, कोस टू एक्स अपोन में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स, और इंटू में टू था, टू बाहर ले लिया हमने मल्टीप्लाई में, अब कोस टू एक्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि सेपरेट अलग अलग हो जाएं, तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला एक और होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस है साइन स्क्वेयर एक्स अपोन में है, अब इसको हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसके अपोन में दोनों लेके चलते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपोन में ये बचेगा, तो वन अपोन में साइन स्क्वेयर होता है कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस में, अब इसके अपोन में फिर ये दोनों आएंगे, तो इसके अपोन में ये दोनों आएंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल, वन अपोन में कोस स्क्वेयर जो कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, तो दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन दे रखे है कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपोन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देने में तो ये लग रहा है कोस सी माइनस कोस डी लगेगा, लेकिन वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगा देंगे तो x प्लस अल्फ़ा और x माइनस एंगल प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन हमने तो cos x अलग चाहिए cos अल्फ़ा, यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा और x माइनस अल्फ़ा नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, cos 2x की जगह पे फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वेयर x माइनस वन, माइनस में क्या आता है cos 2 अल्फ़ा, ये भी वही फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस वन, लेकिन बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस, 2 से 2 आ जाएगा कैंसिल, सॉरी 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, 2 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पर वैल्यू बचेगी कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा, फिर ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस है बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये अलग अलग टर्म बचेगी, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन एक्स, नहीं साइन अल्फा नहीं होगा, क्योंकि ये कोस अल्फा तो कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पर तो एक्स आया नहीं, तो कोस अल्फा आ जाएगा बाहर, डी एक्स बचेगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स बनेगा। उसके बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है पाँचवा पार्ट है, उसके अंदर क्या दे रखा है, कोस टू एक्स माइनस टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वन अपॉन में वन माइनस कोस टू एक्स, पहले तो इसके अंदर माइनस का निशान बाहर ले लेंगे भाई, ठीक है, अब माइनस का निशान बाहर लेने के बाद आपके पास हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया,
एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स है। अब कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, वो फॉर्मूला रखेंगे तो टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन है, लेकिन बाहर माइनस का निशान है तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब इसके अंदर भी बाहर माइनस का निशान ले लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कोस में। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके फैक्टर बना के दो फैक्टर बनाएंगे, एक फैक्टर तो यही बन जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर और बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वन होना चाहिए, ऐड कर देते हैं तो सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस टू, ऐड कर देते हैं तो माइनस वन, तो माइनस का टू प्लस का वन, तो टू कोस केयर एक्स है माइनस कोस एक्स ही यहाँ पर लिखेंगे माइनस का टू एक्स प्लस कोस एक्स अपोन में माइनस का वन। अब इन दोनों से टू कोस एक्स आ जाएगा कॉमन, टू कोस एक्स आने के बाद क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस वन, माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे तो कोस एक्स माइनस वन, तो कोस एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचेगी उसका, अलग अलग टर्म हो जाएंगी, अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा उसका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर पढ़ रखे हैं। तो जहाँ जब आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करवाया था, जब आपको बताया था ये कि ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन होगा, अब इन्हीं का आ गया इंटीग्रेशन। तो आपने करना क्या है, तो जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं पढ़ाया है तो उससे क्वेश्चन नहीं होगा भाई। अब आपने यहाँ पर देखिएगा, इसको बता देता हूँ, बाकी साइन इनवर्स कोस एक्स है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म नहीं होगी इसका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। तो ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पर आपने साइन लेके आना है, तो कोस एक्सिस यहाँ पे साइन कैसे आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, तो कोस एक्सिस यहाँ पर रख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए, बच जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स बच गया, तो ये अलग अलग टर्म होगी तो अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद ये है, यहाँ पर क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये टू कोस स्क्वेयर एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा टेन एक्स बच जाएगा, टेन वर्स से टेन कट के एक्स बच जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू, ऐसे आपने ये सोल्व करना है। ये फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स कोस टू एक्स का कोस इनवर्स कोस, इसको साइन कोस में चेंज कर लेना है। ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होगा टू कोस स्क्वेयर एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस टेन एक्स बचेगा, टेन वर्स से टेन कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू आएगा। अब ये चाहे तो आप इसका रिलेशन कर लेना, चाहे साइन को आप किस में चेंज कर लेंगे कोस में, तो साइन को कोस में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, सेम ऐसे ही प्रोसेस बनेगा, ठीक है। ये साइन स्क्वेयर अपन में कोस स्क्वेयर आपके पास टू से टू कैंसिल, टेन स्क्वेयर सोल्व कर लेना, जैसे ये किया है वैसे इसको साइन कोस में चेंज कर लेना। तो ये एक्सरसाइज आपके पास ये कंप्लीट हो गई है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।